दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और IPL 2019 का दूसरा मैच जो है KKR और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आज यानी कि 24 मार्च को खेला जाएगा। और ये मैच जो है वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में जो कि दूसरे मैच में खेल सकती हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ IPL 2019 की मजेदार खबरों को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNA न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बात करें यहां पर सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहां पर सुनील नारायण के साथ क्रिस लिन जो है वो यहां पर ओपन करेंगे, यहां पर ओपनिंग करते हुए वो नजर आएंगे। वहीं नंबर 3 पर रॉबिन उथप्पा खेलेंगे, तो वहीं नंबर 4 पर नीतीश राणा खेलेंगे। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर कप्तान दिनेश कार्तिक आएंगे, वहीं नंबर 6 पर आंद्रे रसल खेलेंगे। नंबर 7 पर यहां पर शुभमन गिल जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बॉलर्स की अगर बात करें तो यहां पर नंबर 8 पर पीयूष चावला, नंबर 9 पर लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 पर कुलदीप यादव, तो वहीं नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहां पर हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर की जो है वापसी हो गई है। तो डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा जो है वो यहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 3 पर कप्तान केन विलियमसन खेलेंगे, तो वहीं नंबर 4 पर मनीष पांडे खेलेंगे। बात करें नंबर 5 की तो नंबर 5 पर यहां पर विजय शंकर को मौका दिया जाएगा। नंबर 6 पर साकिब अल हसन खेलेंगे, तो वहीं नंबर 7 पर यूसुफ पठान खेलेंगे। वहीं बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो नंबर 8 पर राशिद खान, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर सिद्धार्थ कौल और नंबर 11 पर खलील अहमद खेलेंगे। तो दोस्तों इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो रहने वाली है दूसरे मैच में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर कमेंट जरूर करें। और IPL 2019 की मजेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNA न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।